मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित सूर्यांश स्कूल के निकट हाईवे कॉम्प्लेक्स में रिच ब्रांड गारमेंट के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जैसे ही दुकान स्वामी मोहम्मद वसीम को आग लगने की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल तमाम आग पर काबू पाया। तब तक शोरूम में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। शोरूम स्वामी मोहम्मद वसीम ने जानकारी देते हुए बताया, ये गारमेंट्स का शोरूम है पूरा फैमिली वेयर। इसमें करीब मैं यहाँ से इसको बंद करके 8 बजे चला गया था, तो 9 बजे के टाइम में मेरे पास मेरे पड़ोसी, उनका फ़ोन आया कि धुआं उठ रहा है दुकान में से। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा, तो वहाँ से आन के देखा तो यहाँ पे काफ़ी जो है आग लग चुकी थी। जी जी, फायर ब्रिगेड की टीम आई थी जी, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड की टीम आई जिसे बुझाने के लिए। कितना ये करीब 20 से 25 लाख का हुआ है, बाकी कल देख के और पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। कितनी देर में आ गई थी फायर ब्रिगेड? दूर की जगह है ना फायर ब्रिगेड, करीब आधा घंटा उसे लगा था आने में फायर ब्रिगेड को। तो क्या क्या सामान जला, क्या क्या चीज़? इसके अंदर सब पूरा फैमिली वेयर था, बच्चों के सारे टी शर्ट वूलन शर्ट लगी हुई थी, डैगी थी, ये सारी आया सब जल गया। और स्टॉक रखा था काफ़ी हमारा, यहाँ पे एक साइड में स्टॉक रहता है, वहीं से आग लगी सब, वो सारा जल गया, वो सारा स्टॉक हमारा। किस नाम जो रखा? रिच ब्रांड गारमेंट के नाम से है, रामपुर रोड 0 पॉइंट नियर सूर्यांच स्कूल। अच्छा, आस पड़ोस से यहाँ आबादी भी नहीं है, लोग फिर भी आए होंगे, लोग आए थे क्या? जी जी, सब आस पड़ोस के जो लोग थे वो जो जा रहे थे वो आए, उन्होंने देखा, रुक गए सब। और हमारे इधर कटगढ़ थाने की और या चौकी की दोनों एकदम पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, 112 नंबर की गाड़ी भी आ गई फौरन सारी। उन लोगों ने भी हेल्प करी, एकदम आन के अंदर दुकान में आ गए वो लोग सब बिल्कुल।